तो सर तो तुम्हारा एक और न्यू वीडियो में, और देखो ना आज ना बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है। और देखो डिसलाइक करने से पहले ना पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर जाके डिसाइड करना, ठीक है ना। तो मैंने दो वीडियो बना रखे इसके ऊपर कि हाउ टू गेट फ्री आउटफिट, और भाई वो एकदम रियल थी और सबको मिल भी रही थी। लेकिन भाई मैं पिछले जब से वो रिडीम कोड आया है ना, मैं देख रहा हूँ बंदे को भाई सब इतने भाई मतलब क्या बताऊँ, मतलब फ्री में मम्मी सेट और ग्लेशियर तक और कंपेनियन, मतलब रिडीम कोड के जरिए क्या ये मिल सकता है भाई, इम्पॉसिबल है। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि भाई सब कैसे पागल बनाते हैं और भाई एडिटिंग किस लेवल की है, पहले ये देखो तुम, ठीक है ना। देखो अब ये बंदा दिखा रहा है, मैं नाम नहीं दिखा सकता, ठीक है ना। तो देख सको तो कतई फुल नेट पे दिखाऊंगा, मतलब कतई HD क्वालिटी में, तो आप लोग देख सकते हो। और लोंडा देखो क्या निकालेगा, कंपेनियन, और जिनकी एकदम चील की निगाहें हैं ना कतई, मतलब आर पार देखने की शक्तियाँ जिनको प्राप्त है, वो तो किसी को नहीं है फिर भी एक टाइम के लिए मान लो यार। तो देख तो वो जो कंपेनियन था ना वो भाई साहब कैसे एडिट करी गई है, मैं अभी आपको कतई स्लो मोशन में दिखाऊंगा, चाहे बेशक मेरा नेट खत्म हो जाए लेकिन तुम्हें दिखाना है यार। तो दिखाता हूँ आज मैं, और भाई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो चल रही है यार। बस एक बार तुम लिख दो हाउ टू गेट फ्री M4 लिजार्ड, फिर पता लगेगा कि ये वीडियो कितनी चल रही है, मतलब एडिटिंग वाली। तो देखो फिर मैंने कतई एकदम स्लो मोशन में कर दिया है, अब आपको पता लगेगा कि भाई साहब उस कबूतर के पीछे क्या है, ठीक है। अगर मान लो हमें कोई चीज़ मिलती है, तुम लोग को पता होगा अगर हम चीज़ों को कोई रिवॉर्ड मिलता है, चाहे टाइम लिमिटेड चाहे परमानेंट, वहाँ लिखा रहता है नीचे कि भाई साहब आपको ये रिवॉर्ड मिला है। अगर सेट मिलता है तो सेट का नाम लिखा रहता है कि भाई आपको ये सेट मिला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम लोग देखो बस एक बार, कहते दबा दबा के उंगली तोड़ देने की कोशिश, और देखते भाई साहब कब तक निकलता है। अबे निकलना देखो, अब देखो पहले ही बंदे ने ऐड कर दिया, ठीक है कंपेनियन, देख सकते हो तुम लोग, पहले ही लोंडे ने चिपका दिया ऊपर ताकि भाई साहब किसी को शक ना हो, और एकदम चिपका रखा है ऊपर से ही, देख सकते हो तुम लोग ऊपर से ही चिपका रखा है भाई साहब, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो यहाँ नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये ना एक सेट है और जो कि एक दिन के लिए मिलता है, लेकिन कबूतर हमें परमानेंट देखने को मिल रहा है। देख रहा हूँ, अगर मान लो एक टाइम के लिए मैं मान भी लूँ ना कि कबूतर परमानेंट मिल रहा है, तो भाई साहब ये देखो आउटफिट नीचे, तो भाई साहब देख सकते हो तुम लोग, मतलब तुम्हारे सामने है आउटफिट, ये है उसका नाम भी देख सकते हो, और एक दिन के लिए टाइम लिमिटेड है, और जो कि फैल्कन था वो परमानेंट था इसके हिसाब से, जैसे इसने एडिट कर रखी थी उसके हिसाब से परमानेंट था, लेकिन भाई साहब नीचे वन डे लिखा हुआ था और आउटफिट का नाम भी था, इससे भाई साहब सीधा सीधा पता लगता है कि भाई वो क्लिप ही एडिटेड है। और भाई ऐसे मत देखा करो यार, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा व्यूज़ क्या बताऊँ मैं कितने बंदों का कटता है, इतना ज़्यादा व्यूज़ और लाइक भी दबा के यहाँ इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाओ भाई साहब, लाइक के नाम पे यार तुम लोग कुछ नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। अब मैं दिखाता हूँ जादू M4 लिजार्ड कैसे मिलती है, वो भी फ्री में, फ्री में कैसे लिजार्ड मिलती है। देखो लोंडे ने दिखा दिया लिजार्ड, अब जिसको एकदम मतलब नॉर्मली तेज नज़र हो ना उसको पता लग गया होगा कि इसके नीचे क्या रख रखी थी बंदे ने। अब मैं दिखाता हूँ इसके नीचे क्या रख रखा था लोंडे ने, और देखोगे कतई तुम्हारे क्या बताऊँ क्या हो जाएगा। देखो नीचे लिखा हुआ है सिल्वर, और बिल्कुल सही समझे, इसके नीचे सिल्वर ही है, देख सकते हो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है नीचे सिल्वर लिखा हुआ है। अगर M4 होता ना अपग्रेडेड वाली तो नीचे लिखा होता कि भाई लिजार्ड M4 है, देख सकते हो यहाँ पे भाई साफ साफ पता लग रहा है कि भाई 30 सिल्वर है, और बंदे ने उसके ऊपर कतई चेप रखा है, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल है यार, कतई नेक्स्ट लेवल, मतलब क्या बताऊँ मैं। और भाई इतनी सही वीडियो मैं बनाऊँ फिर भी भाई व्यूज़ के नाम पे यार कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलता मेरे को, तो तुम लोग देख सकते हो भाई तुम्हारे सामने। और अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखो तो भाई साहब तुम्हें कद्दू भी पता नहीं लगेगा कि नीचे सिल्वर था कि नहीं था। और अगर मान लो तुम्हें लगता है कि भाई कुछ बंदे होते कि भाई रियल दिखाते हैं, मुझे पता है, लेकिन जो बंदा ना अपनी इन्वेंट्री में तुम्हें दिखाए ना, मतलब इन्वेंट्री को कतई खोल के, सिर्फ वही रियल है। अभी इस बंदे ने दिखाया कि भैया जी हमें मिल चुकी है M4 ग्लेशियर, अभी आई है नहीं, इसको मिल पहले ही गई, मतलब पबजी लाइट में अब तक ग्लेशियर आया भी नहीं है, उसे पहले ही मिल गया। और जो तुम्हें इन्वेंट्री में जाके दिखाता है कि देखो भाई इन्वेंट्री में हमारे आ चुके हैं, उस पर विश्वास कर लिया करो, ठीक है ना। अब ये देखो मम्मी सेट, ठीक है, और नीचे सेम वही एक दिन के लिए कोई है और कोई आउटफिट का नाम है। अगर मम्मी सेट होता ना तो भाई साहब यहाँ मम्मी सेट लिखा होता और परमानेंट होता, क्योंकि भाई इन्होंने दिखा रखा है कि ऊपर परमानेंट है, तो भाई परमानेंट होना चाहिए। और अगर मान लो तुम्हें कोई दिखाता है ना, तो अगर इन्वेंट्री में दिखाता है और पहन के दिखाता है, कहते इमोट मार के दिखाता है इस मम्मी वाला का, तो भाई वो रियल है और वो मिल सकता है यार। लेकिन ये भाई नहीं मिल सकता यार, कैसे मिल जाएगा तुम लोग खुद ही बताओ, मतलब खुद ही सोचो यार एक टाइम के लिए। और भाई देख सकते हो बंदे ने मतलब इस आउटफिट के ऊपर, मतलब पिछली मतलब पीछे मैंने दिखाया था यही सेम आउटफिट थी, उसके ऊपर उन्होंने गन की स्किन चेप रखी थी, और इसी आउटफिट के ऊपर इस लोंडे ने दोबारा से मम्मी सेट चेप दिया। मतलब देख रहे हो क्या ही नेक्स्ट लेवल एडिटिंग है यार, मतलब क्या बताऊँ मैं। और एक जगह से एक जगह चेपना चल रहा है बस, और मतलब मान लो भाई तुमने चेपा है, कम से कम बता दो कि भाई मैं नहीं दिला सकता ये वो,
मैं नहीं दिला सकता भाई, मेरे पास कोई ऐसा रिडीम कोड नहीं है। और भाई सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई रिडीम कोड नहीं है जहाँ तक मुझे पता है ना। मैंने बहुत बंदों से पूछा कि भाई कोई रिडीम कोड है, कहता भाई ऐसा फैल्कन वगैरह ग्लेशियर वगैरह का कोई रिडीम कोड नहीं है। और जो रिडीम कोड होता है वो भाई टाइम लिमिटेड होता है, तुम लोगों को पता ही होगा, कुछ टाइम के लिए होता है। अब मान लो कोई रिडीम कोड परमानेंट भी हुआ ना, तो भाई उसको ना सिर्फ आउटफिट मिलेगी, और वो आउटफिट भी सिर्फ एक दिन के मिलेगी। मजाक भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक दिन के लिए आउटफिट मिलते हैं, उससे ज़्यादा के आउटफिट नहीं मिलते। जिसको नहीं मिले ना, फिर पिछले वाली वीडियो देख लेना, आप लोगों को भी सिर्फ टाइम लिमिटेड एक दिन के लिए आउटफिट मिलेगी, वो भी काफ़ी अच्छी आउटफिट है। तो जिसने अब तक वो वीडियो नहीं देखा ना, तो जाकर देख लेना। और जिसको क्विक स्कोप की वीडियो देखनी है वो भी जाकर क्विक स्कोप की वीडियो देख सकता है, और भाई काफ़ी मस्त है, ठीक है ना। तो मैं यही बताना चाहता था कि भाई ऐसे वीडियो पे ना विश्वास मत क्या करो। जो बंदा अपने इन्वेंटरी खोल के आप लोगों को नहीं बताता कि भाई ये फेक है कि रियल है, मतलब क्या बोल रहे हो यार, मतलब कोई बंदा अगर मान लो इन्वेंटरी खोल के तुम्हें दिखा रहा है, इमोट का तक पेल के दिखा रहा है, तो भाई वो एकदम रियल है, ठीक है। तो भाई मैंने सारे रिडीम को ट्राई किए लेकिन भाई कद्दू भी नहीं ला। तो बताना जरूर आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब। तो मिल जाएगा व्यूअर तक, बाय।